أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليزر المؤمنين दो आते हैं सुरयल इमरान है चौथा सिपारा तर्जुमा हम पढ़ेंगे ईमान का और हरगिज काफिर इस गुमान में ना रहें रहें ला बता रहा है ना, ना कि वो जो हम उन्हें ढील देते हैं कुछ उनके लिए भला है कुछ उनके लिए इसमें खैर है ये खैर का तर्जुमा भला हुआ है कोई उसमें खैर है ये उनकी जो ढील मिल रही है अल्लाह ताला फरमा रहा है ढील देने की वजह यहाँ बयान हो रही है ठीक है जो हमने आपको इससे पहले नशिश में बताया था कि आगे इसका जो है फिर आगे मजीद फरमाया अल्लाह ताला ने हम तो इसीलिए उन्हें ढील देते हैं लेदाद इस इसमा ज्यादा यजीदो ताकि ये लाम लामे कई है ताकि और गुनाह में बढ़े और उन खूब ज्यादा कर ले गुनाह ठीक है कोई हसरत बाकी ना रहे कि ये तो रह गया ठीक है डांस तो किया ही नहीं खूब कर लें अपना जो भी करना है कर लें और अपना ज्यादती करें खूब खूब करें, करें। जितना करना है क्यों इसलिए वालब मोहिन ये मोहिन जो है वैसे उर्दू में भी आप आपको पता हो शायद के कुछ पुराने उर्दू में बोलते हैं महीन महीन का मतलब हम जानते हैं कि बारीक ठीक है हल्का पतला इस तरह से यानी एक हकीर के माना होता है समझने ठीक है ये वही मोहिन है ये फरमाया और उनके लिए जिल्लत का अजाब है ठीक है ये है ना ये इस मोहन का माना है जिल्लत बहुत से लोग नाम रख लेते हैं ना माहिन और फिर निक नेम के तौर पर कुछ और पुकारते हैं तो इससे जरा बचना चाहिए ठीक है क्योंकि अरबी और उर्दू दोनों में इसका माना अच्छा नहीं है हो सकता है किसी ने कुछ और माना लिख दिया हो फारसी के लिहाज से किसी और लिहाज से मुझे नहीं पता लेकिन यह कि अरबी और उर्दू में इसका माना बहरह अच्छा नहीं है कमतर हकीर जलील यही माना इसका इस्तेमाल होता है अच्छा अल्लाह मुसलमानों को इस हाल पर माकान अल्लाह लिया जरा इस हाल पर छोड़ने का नहीं ठीक है जिस पर तुम हो यानी जो मौजूदा हालात हैं इस हालात को ऐसे ही बाकी नहीं रखा जाएगा बल्कि ये हालात बदल दिए जाएंगे जब तक जुदा ना कर दे यमीज़ अल खबीसा ठीक है तमीज जो हम कहते हैं ना यमीज तमीज ये ये वही है जब तक जुदा ना कर दे गंदे को खबीस को किससे तय्यब तय्यब से सुथरे से ठीक है अच्छे से जब तक अल्लाह ताला बदल ना दे तो जब तक जो है ये मामला यू ही पेंडिंग में नहीं रहेगा ठीक है और अल्लाह की शान ये नहीं कि आम लोगों ए लोगो यानी अभी हम आपको मजीद इसकी वजाहत कर देंगे तुम्हें गैब का इल्म दे दे अब यहां पर ये आयत बहुत तलब है तलब नहीं है बहुत तलब है तवज्जो तलब है कि लोगो तुम्हें गैब का इल्म दे दे हाँ ये आम का तर्जुमा यहाँ पर हुआ है लेकिन ये लोगों को ये सभी की बात हो रही है कि किसी को भी अल्लाह ताला गैब का क्या नहीं देता गैब पर मुतला नहीं करता जब भी अल्लाह ताला ने गैब की बात की है तो वहां पर इतला मुतला की बात की है और या खबर की बात की है ठीक है अल्लाक यही बयान हुआ है तो लिअक ठीक है आप उर्दू में बोलते है इतला दे दो फलाह को इतला दे दी उसको मुतला कर दिया ठीक है या जैसे आप कहते हैं कभी किसी को जॉब से मुत्तल कर दिया गया तो ये उसी उसी माना में यहाँ पर भी है ठीक है तुम्हें गैब का इलम दे दे ठीक है गैब की इत्तला दे दे ठीक है गैब से मुत्तला कर दे हाँ अल्लाह चुन लेता है वाला किन्न अल्लाह और लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला इनत फरमा लेता है चुन लेता है किसके लिए हाँ अल्लाह चुन लेता है मेर रसुल ये ही यही जमीर जो है अल्लाह की तरफ जा रही है तो इसका तर्जमा हुआ है अपने रसूल रसूलों र, रसूल की जमा है ये रसूलों से अपने रसूलों में से अल्लाह तलातब फरमा लेता है चुन लेता है ठीक है जिसे चाहे जिसको वो चाहता है उसको चुन लेता है गैब पर क्या करने के लिए गैब पर खबरदार करने के लिए गैब की खबर या गैब की इतना करने के लिए अल्लाह तारा उनका इंतख्या फरमा लेता है तो ईमान लाओ तो ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूलों पर बिल्ला व रसूल ही और अगर ईमान लाओ वही और अगर तुम लोग तुम सारे मिलकर ईमान लाओ और तकवा इख्तियार करो यहां तर्जुमा परहेजगारी करो तो तुम्हारे लिए बड़ा सवाब है क्या है अजर अजीम फलकुम उम्मर अजीम वला सब का देखिए और काफ़िर लोग हरगिज़ ये ख्याल ना करें कि हम जो उनको मोहलत देते जाते हैं तो ये उनके लिए या उनके हक में कुछ अच्छा है नहीं बल्कि हम उनको इसलिए मोहलत देते हैं कि और गुनाह कर लें आखिरकार उनको जलील करने वाला अजाब होगा ठीक है तो इस तरह की बहुत सी आयात आपको इसी मज़मून पर आपको कुरान मजीद में मिलेंगी जो अल्लाह तला ने यहाँ बयान फरमायानि हम काफिरों को जो उनकी लंबी उम्र उनको देते हैं कि तवील उम्र जीते हैं ठीक है और उनकी उम्र बढ़ाते चले जाते हैं और उन्हें उनके हाल पर जो वो कर रहे होते हैं ढील दे देते हैं छूट दे देते हैं करो को मौज मस्ती करो तो वो मौज मस्ती करते रहते हैं उनका माल भी उनको ज्यादा दे देते हैं थोड़ी सी मेहनत करते हैं बहुत सारा माल आ जाता है ठीक है बड़े बड़े अमीर कबीर बन जाते हैं तो बड़ी शोहरत हासिल कर लेते हैं और दुनिया की नेमतें उनको वाफर दे देते हैं ऐसे आपको बहुत मिलेंगे तो जिसकी वजह से वो समझते हैं कि देखो अल्लाह हमसे खुश है वो भूल जाते हैं वो वो समझते समझते हैं वो नहीं समझते कि मेरी मैं इस गुनाह की वजह से पकड़ा जा रहा हूँ मेरी रस्सी ढीली हो रही है बल्कि समझते हैं कि शायद कोई ऐसा कारनामा हम कर रहे हैं जो हमारे मालिक को बड़ा पसंद आ रहा है जब ही तो देखो हमें नवाजता चला जा रहा है वो भूल जाते हैं तो क्या ये सब कुछ उनके लिए बेहतर है नहीं बल्कि ये उनके लिए बहुत बुरा है क्योंकि इससे उनके गुनाहों में मजीद इजाफा ही होगा ना सेहतमंद है और गुनाह करेंगे सेहतमंद है तोबा तो करेंगे नहीं वो ठीक है सेहतमंद है वो वो अल्लाह को पहचानने की कोशिश तो करेंगे नहीं सेहतमंद है वो सुन्नतें तो सीखेंगे नहीं सेहतमंद है वो ईमान को तो पहचानेंगे नहीं तो सेहतमंद है तो क्या करेंगे गुनाह करेंगे ज्यादा माल कमाएंगे ज्यादा याशियां करेंगे आयश की जिंदगी बसर करेंगे लेविश स्टाइल अख्तियार करेंगे ठीक है तो फिर उनके खिलाफ क्या होगा हजत मजबूत हो जाएगी वो अपने खिलाफ खुद हजत मजबूत कर लेंगे कयामत के दिन के अल्लाह तला फरमाएगा कि तो क्या तुमको इतनी उम्र नहीं दी गई थी कि जिसमें तुम समझना चाहते तो समझ लेते तो तुमने जब कोशिश नहीं की समझने की तो तो आखिर कार होना तो यही था ठीक है तो दुनिया में भी ये सब कुछ उनके लिए अजाब का बास बनेगा पुराने मजीद में अल्लाह ताला ने बयान किया फिर अचानक अल्लाह तला का अजाब आ जाता है ठीक है लोग नाच रहे होते हैं गा रहे होते हैं पता चला सैलाबी रेला आ गया ठीक है जिसको आप कहते हैं सोनामी आ गया जलजला आ गया, आ गया। तरह के अजाब आ जाते हैं इसी तरीके से सूरह कलम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फरनी छोड़ दीजिए आप इन लोगों को किसको काफिरों को और मुझे ठीक है छोड़ दीजिए मैं इनको देख लूंगा मिन यअलमून ठीक है छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए मुझे और इसको जो इस हदीस को फरमाया बेहाल हदीस क्या फरमाया ने अल हदीस इस हदीस को मजीद को जो झुठलाता है तो हम क्या करेंगे उसको हम उसको आहिस्ता आहिस्ता सनस ऐसे तरीक से पकड़ेंगे कि उनको खबर भी नहीं होगी

आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि उनके पास इतना माल है ऐसी जबरदस्त औलाद है बेटे हैं नहीं वो जो उनकी निगाहों के सामने है आपको ताज्जुब में ना डालें हैरत में ना डालें उन चीजों से अल्लाह ये चाहता है कि इनको दुनिया में अजाब दे कि इतना ज्यादा होगा इनके पास तो ये फूले नहीं समाएंगे और ये फरमा बर्दारी तो करेंगे नहीं ना फरमा करेंगे तो अल्लाह ताला इनकी जान ऐसे हाल में निकाले इनको ऐसी हाल में मौत दे इनकी जान ऐसी निकले कि ये काफिर ही होकर मर जाएं अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे इन नमली यहाँ इस आयत मुबारक से आयत मुबारक के इस टुकड़े से किसी को ये शुबा ना हो कोई ये शुबा ना करे कि जब अल्लाह ताला ने काफिरों को मोहलत और उम्र की दराजी और आफियत और राहत के सामान इसलिए दिए हैं कि वो अपने जुर्म में और बढ़ते चले जाएं और ज्यादा वो कफर करें और ज्यादा वो अपने जानों पे जुल्म करें तो फिर तो नाउज विल्लास्तफर कुफ़ार जो है वो बेकसूर हो गए उनका क्या कसूर है उनको तो अल्लाह ताला की तरफ से ये मामला हुआ है उनके लिए यहाँ ये बात नहीं है कुफ़ार ने करना ही यही था कुफ़ार ने अल्लाह को इस कदर नाराज कर दिया है अपने कुफर से इस कदर उन्होंने अल्लाह को नाराज किया तो ये अल्लाह तला यहाँ बयान फरमा रहा है कि मुसलमानों को तसली हो जाए यहाँ ये बयान करना मकसद नहीं कि अल्लाह तला उनको जबरदस्ती जहनमी बनाया है उन्होंने अपनी च्वाइस से अपनी पसंद से जहन्नम का रास्ता अख्तियार किया है ये अल्लाह तला ने यानी बयान करना है यहाँ पर आ, कि लोगों को तसली हो जाए मुसलमानों को कि यार लोग अक्सर अभी भी कह देते हैं कि इनको तो ये तो इतना गुनाह कर रहे हैं लेकिन इनको तो देखो इतनी छूट मिली हुई है ये तो इतने ऐश आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं इनको तो कोई फिक्र ही नहीं है ये तो कि देखो कितने सुकून के साथ हैं ना उनको माल की फिक्र है उनके घर में माल भी है औलाद भी है आसाइशों के सामान भी हैं और हम हैं कि हम जो है हर वक्त अल्लाह से डरते रहते हैं लेकिन हमें तो देखो इतनी परेशानियां हैं तो अल्लाह ताला उन मुसलमानों को तसल्ली दे रहा है कि देखो ये मामला अल्लाह ताला का अलग अलग होता है हर एक के साथ सबके साथ एक ही मामला नहीं होता मुसलमानों के साथ भी कुछ अलग अलग मामला होते हैं और काफिरों के साथ भी कुछ अलग अलग मामला होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला फौरन पकड़ लेता है कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला मोहलत देता है तो यहाँ हर एक के लिए फरदन फरदन फिर नफ से ही हर एक के लिए इसमें सबक है कि हर शख्स अपना अपना वो खुद जायजा ले खुद जो है तजिया करे क्योंकि हर शख्स अपने बारे में बेहतर जानता है कि वो क्या कर रहा है तो अगर राहत का वक्त हो जब भी तकलीफ का वक्त हो जब भी अमीरी हो जब भी गरीबी हो जब भी खुशी मिले जब भी कोई तकलीफ आ जाए जब भी सेहत की हालत में जब भी और कोई बीमारी आ जाए जब भी हर हाल में हमें क्या करना है अपने मालिक की फर्मा करनी है मालिक ने जो दीन अपने नबी को देकर भेजा है उसी तरीक पर चलना है हर शख्स अपने अमल के बारे में खुद अपने लिए वो बेहतर वकील है दूसरा नहीं है कोई दूसरा जो भी वकील उसका बनेगा वो तो कहीं ना कहीं खता और गलती करेगा हर शख्स अपने बारे में वो बेहतरीन बेहतरीन वकालत कर सकता है कि मैं क्या हूं ठीक है अपना मुकदमा हर शख्स खुद जो है वो बेहतरीन तरीके से पेश कर सकता है उसको हल कर सकता है समझ रहे बात को तो हर शख्स ये देखे तो यहाँ अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तसल्ली दी के कुफार के यहाँ मकसूद क्या है के मकसूद है ये के कुफार की इस चंद रोजा जिंदगी और उनकी मोहलत और ऐशो इशरत के सामान मुसलमानों को परेशान ना करें मुसलमान परेशान ना हो क्योंकि बावजूद कुफर के बावजूद बगावत के लोग बगावत कर रहे हैं अपने मालिक से उसके बावजूद इनको दुनिया का सामान भी दुनिया की इनको कवत भी ताकत भी और इनको ऐशो इशरत के सामान भी सामान दुनिया ये भी उनके लिए क्या है एक अजाब की ही शक्ल है एक अजाब की ही सूरत है जिसका एहसास उनको नहीं हो रहा है उनको अंदाजा नहीं हो रहा है जिसका एहसास आज नहीं इस दुनिया से जाने के बाद होगा कि ये दुनिया का सामान राहत जो उन्होंने गुनाहों में खर्च किया दर हकीकत जहन्नम के अंगारे थे अगर ये दुनिया का सामान इतना ही कोई अच्छा होता तो अंबिया इससे जरूर नफा उठाते लेकिन नहीं आप नबियों की जिंदगी देख लें मैं सिर्फ अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आपके बारे में आपके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु सल्लाम की जिंदगी इतनी सादा थी कि जमीन पर लेट जाया करते थे जमीन पर आपकी बैठक होती थी जमीन पर बैठते थे और जमीन पर खा पी लिया करते थे और कभी आपने चारपाई पर भी आराम फरमाया है तो बगैर बिछाए हुए आप आराम फरमा लेते थे घर में खाने को हुआ तो खा लिया नहीं मिला तो नहीं खाया अगर जो है बगैर नमक का खाना मिला तो वो भी खा लिया अगर जो है गजा पसंद नहीं आई वो भी खा लिया कुछ उसके उस के बारे में तबसरा नहीं किया कोई उसमें मीम मेख नहीं कोई उसमें नुख्स और आयब नहीं निकाला नहीं मिला नहीं खाया बिल्कुल सादा जिंदगी बसर की ठीक है और ऐशो इशरत जरा भी करीब नहीं आने दिया माल आ भी जाता तो तकसीम फरमा देते कभी एक आध दरहम एक दीनार अगर घर में पड़ा रह जाता तो मस्जिद से तशरीफ लाते और उसको भी तकसीम करके फिर जाते और फरमाते कि मैं इस बात को भी नहीं पसंद करता कि मेरे घर में एक दरहम दीनार मफहम है अधी शरीफ का कि पड़ा रहे और एक रात गुजर जाए हमारे ऊपर आप सल्ला बिल्कुल दुनिया जमा करना पसंद नहीं था दुनिया से बकदर ज़रूरत लेना यह हर नबी की सुनत है ठीक है मांगना लोगों की तरफ लालच की निगाह से देखना लोगों के माल को बड़ी यानी हैरतंगेज़ निगाहों से देखना ताजुब खेज अंदाज में देखना ये तो मोमिन का भी शिवा नहीं है ये तो अम्बिया तो इससे बहुत बुलंद मकाम रखते हैं बहुत बुलंद उनका दर्जा होता है तो मुझे और आपको सबक दिया गया है कि देखो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें इसी सूरत के भी आखिर में आएगा अल्लाह ताला बयान करेगा कि काफिरों का जो मालो है उसकी तरफ आप आंख उठाकर भी ना देखो कि वो शहरों में इतने ऐशो आराम से क्यों फिर रहे हैं नहीं फिरने दो उनको तुम्हारा ये सेवा नहीं है तुम्हारा मशगला बहुत उसका मकसद बहुत आला है तुम उसकी तरफ निगाह करो तो ये इनको जो सामान अल्लाह ताला ने कुफार के अमवाल और इनके ऐशो इशरत और इनके लिए कोई फख्र करने की चीज बहरहाल नहीं है ये और बात है कि ना समझ लोग इस पर फख्र करते हैं ये तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की एक किस्त है जो उनके अजाब आखरत बढ़ाने का सबब है एक ये क्या है स्टेप है ठीक है जो दूसरे स्टेप की तरफ जो कदम बढ़ाने का एक कहना चाहिए है है ठीक तो कुफार की दुनियावी इशरत दर हकीकत क्या है अजाब ही की तकमील है तो इसलिए वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए इंसान उसकी रेस में लग जाए दौड़ में लग जाए इसके पास ये है तो मेरे पास भी आ जाए नहीं आपका तो मकसद बहुत आला है मां कान अल्लाह ये ये जो आयत है इस आयत का इस आयत से क्या रब्त है मबन लजीना इसका रब देखिए पिछली आयत में उस शुबे का जवाब था कि जब कुफार अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा हैं उनका अमल भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है और अल्लाह ताला के दरबार में उनके अमल रद्द किए हुए हैं तो दुनिया में उनको जायदाद और मालो मताप और इशरत के सामान क्यों हासिल हैं जैसे मुसलमानों के जहनों में यह सवाल पैदा होता है तो इस मजकूरा आयत में इसके बिलमकबिल उस शुबे का इजाला है कि मोमिन मुसलमान जो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं क्योंकि उन्होंने बंदगी अपनी चॉइस से इख्तियार की है उन्होंने इसको चूज किया है दो में से एक उनको इख्तियार करना था तो उन्होंने अल्लाह का बंदा बनना इख्तियार किया पसंद किया उनकी बाई चॉइस उन्होंने इसको हासिल किया है ठीक है जब उनको ऑप्शन दिया गया तो उन्होंने इस ऑप्शन को हासिल किया तो वो फिर अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह ताला ने भी उनको कबूल फरमा लिया अपनी बंदगी में तो उन पर तकलीफ़ व मसाइब क्यों आते हैं जब अल्लाह के पसंदीदा हैं हदीस में भी है अल्लाह ताला ने क्या फरमाया हदीस में अल्लाह ने फरमाया नहीं अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया हदीस में है बुखारी शरीफ में किताबुल मरदा में फरमाया बिही वम्लाफ मिन मिनहु अल्लाह ताला जिसके साथ खैर और भलाई का इरादा फरमाता है उसको मुसीबतों में मुतला कर देता है अब बताइए आप ये तस्वूर करने की बात है अब ये इस पर एक जबरदस्त किस्म का तबसरा घंटों किया जा सकता है लेकिन अभी हम आपको मुख्तसर से ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो अल्लाह ने बयान किया कि ये तकलीफ में क्यों होते हैं मकबूलियत का तकाजा तो यह था कि उनको राहतें दी जाती और सामान्य राहत और सुकून उनको ज्यादा मिलता ठीक है बनस्बत कुफ़ार और मुशरकिन के ज़ियाउल कुरान में इन्होंने बयान किया है कि इब्तिदा में कई लोग ज़ुबान से इस्लाम का इकरार करके मुसलमानों में दाखिल हो जाया करते थे और मुसलमान उनसे बिल्कुल अपने भाइयों की तरह या भाइयों जैसा सलूक करते लेकिन हर नाजुक मरहले पर ये मुसलमानों के दिलों में खौफ व हिरास उनकी सफ़ों में इंतशार और उनके राजों को अफशा करके जाहिर करके अफशा का क्या मतलब जाहिर करके इंतहाई अजियत तो और तकलीफ पहुंचाते इसलिए ज्यादा देर तक उनका मुसलमानों में मिले जुले रहना मुनासिब नहीं था इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमत इलाही इस बात की रवादार नहीं कि मुखलिस मुनाफिक आपस में मिले जुले रहें बल्कि उनको अलग अलग करना जरूरी है उनको क्यों कर अलग-अलग किया गया इसमे के मतदद अकवाल हैं ठीक है इसको छोड़ दीजिए इमाम मुजाहिद वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको अहद के दिन अलग अलग कर दिया था और फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिहाद और हिजरत के साथ उनको अलग अलग कर दिया था इस आयत मुबारा मुबारक का ताल्लुक भी किस्से वहद से है उसमें वहां पर जो हादसा पेश आया बड़े बड़े सहाबा कराम हज़रत सैयद हमज़ा रदी अल्लाह तहु और बड़े बड़े सहाबा कराम का शहीद होना और जंग में नुक़सान उठाना फिर उसके बाद अबू सुफियान रदी अल्लाह तन के चैलेंज के जवाब में मुसलमानों का निकलना और ये सारे ऐसे वाक़ थे जिनसे कुफ़र नफ़ाक़ और ईमान अखलास अलग अलग होकर सामने आ गए और मोमिन और मुनाफिक में इम्तियाज़ हो गया मुनाफिकीन का मोमिनों के साथ मिला जुला रहना इलाही के खिलाफ था इसलिए ये तमाम वाक आए और मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह का मजमून बार बार जिक्र फरमाया है कि अल्लाह ताला इब्तला की भट्टी से मोमिनों को इसलिए गुजारता है ताकि उसके दोस्त वाजे और दुश्मन जलील हो जाए मोमिन साबिर मुनाफिक से अलग हो जाए जिस तरह ओहद में अल्लाह तला ने अहल ईमान को आजमाया जिससे उनके ईमान सब्र शबात और जज्बे एतात का इजहार हुआ और मुनाफिक ने अपने ऊपर जो नफाक का पर्दा डाल रखा था वो बेनकाब हो गया और यहाँ देखिए कुरान का तर्जुमा कि नहीं है अल्लाह की शान के छोड़े रखे मोमिनों को क्या बयान किया अल्लाह तला ने अल्लाह की ये शान नहीं कि मोमिनों को इस हाल पर छोड़े रखे जिस पर तुम अब हो जब तक अलग अलग ना कर दे किस पलीद को गंदे को सुथरे से पाक से ठीक है तो अब यहाँ पर ये बात है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को इस हालत पर रखना नहीं चाहता जिस पर तुम अभी इस वक्त हो कि कुफार ईमान हक और बातिल अल्लाह ताला के दिए हुए इनामत दुनिया के अतबार से कोई इम्तियाज और फर्क नहीं बल्कि मुसलमानों पर जो ये मुश्किल आती हैं जो मसायब आते हैं जो तकालीफ आती हैं उनका जो नाजिल होते रहना उस वक्त तक जरूरी है जब तक के नापाक यानि मुनाफिक को पाक यानि मोमिन मुखलिस से जुदा न कर दिया जाए मुमताज़ न कर दिया जाए और ये तमीज और ये तबयीन मसायब व मुश्किल ही के पेश आने पर पूरी तरह वाज हो सकती है और अगर किसी के दिल में ये खया, ये ख्याल पैदा हो कि मोमिनो काफिर हक हक बातिल में इम्तियाज पैदा करने के लिए क्या जरूरी है के हवादिस और मसायब डालकर ही इम्तियाज हासिल किया जाए तो ये जरूरी तो नहीं है अगर किसी के दिल में ये बस वस शैतान डाले तो अल्लाह ताला बजरिये वही इसका ऐलान फरमा सकते हैं कि फला मोमिन मुखलिस है लोग इस तरह के सवाल करते हैं ना और फला मुनाफिक और फला चीज हलाल है फला हराम है तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह तीन एक रजा होती है ना हर चीज़ में अल्लाह तला की हिकमत ऐसे उमूर गैबिया पर तुमको बिला वस्ता इब इम्तहान के मुतला नहीं करना चाहता लेकिन हाँ जिसको इस तरह अल्लाह ताला खबरदार करना चाहता है खुद वो चाहे तो ऐसे लोगों को जिसको अल्लाह ताला ने रिस फरमायी है नबुअत अता फरमाई है जो अल्लाह तैगम्बर है उनको अल्लाह तलाबी खबरों पर मुतला करके खबरदार फरमा देता है और जाहिर है कि जो और लोग हैं अम्बिया के अलावा लोग जो हैं तो वो उनके पास तो ये चीज़ नहीं है कि उनके पास नबूत या रिसालत हो और तो उनके पास गैब की खबरें भी आ जाएं उनके पास वही आने लग जाए कि उनको सब पता चल जाए तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमा दी कि अलबत्त अल्लाह ग़ैब के यानी गैब की ख़बर के लिए यहाँ इन्होंने इल्म का जो है उसमें उसमें दिया ब्रैकेट में इलम के लिए नहीं गैब की ख़बरों के लिए या गैब पर मुतला करने के लिए अल्लाह ताला चुन लेता है अपने रसूलों में से रसूलों में से जिसको अल्लाह ताला चाहता है उनका इंतखा फरमा लेता है उनके ज़रिए से अल्लाह ताला ताल ख़बरें देता है अम्बी आल सलाम के मानने वालों को और लाजमी बात है कि अल्लाह ताली किसी के मशवरे का तो अल्लाह ताली मोहताज नहीं है उसकी शान तो इससे बहुत बुलंद है वो हमारे मशवरे से काम करे या बंदे उसको मशवरा दें अपने मालिक को ऐसा मुमकिन नहीं है ठीक है अल्लाह की अपनी मशीयत है उसकी अपनी हिकमत है उसकी अपनी ज़ाहिर मनशा है वो बेहतर जानता है कि क्या तरीक़ेकार होना चाहिए बंदों के इम्तिहानात के लिए उनको अलग अलग करने के लिए उनमें फ़र्क करने के लिए उनको जुदा 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 करने के लिए तो ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा बेहतर जानता है तो बात यही है कि अगर अल्लाह ताला इस तरह इबिला के जरिए बलाओं के जरिए मुश्किल के जरिए से लोगों के हालात और उनके जाहिर बातिन को नुमाया ना करे तो तुम्हारे पास कोई ऐसा इंस्टूमेंट नहीं है कि हमें और आपको कोई ऐसी खबर मिल जाए जो गायब है हमसे ठीक है गायब की खबर पर हम मुतला हो जाए खबरदार हो जाए तो कुछ भी नहीं हमारे पास ऐसा कुछ भी अला कोई पैमाना नहीं है जिससे तुम पर ये चीजें वाज हो जाए मुनकशिफ हो जाए जाहिर हो जाए और तुम लोग जान सको कि कौन मुनाफिक है और कौन मोमिन खालिस है अल्लाह अपने रसूलों में से जिसको चाहता है गैब की बातों पर मुतना फरमाता है जिससे बाज दफा उन पर मुनाफिक का और उनके हालात का और उनकी साजिशों का राज फाश हो जाता है यानी ये भी किसी किसी वक्त और किसी किसी नबी पर जाहिर किया जाता है वरना न आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि हर वक्त और हर खबर से मुनाफिक के बारे में नबी सलाम भी हर वक्त हर चीज ऐसे जानने लग जाए ये भी नहीं है यहाँ अल्लाह ताला ने ये बात बयान कर दी ठीक है जब अल्लाह ताला जितना अल्लाह ताला खबरदार फरमाता है उतना अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगम्बर अलहलाम खबरदार होते रहते हैं मुतला होते रहते हैं लेकिन ये कहें कि नहीं उनको सब कुछ अगला पिछला मकान यकून का एकदम सारा इल्म हो गया और उसके बारे में कुछ अहादीस के जरिए से लोगों को गुमराह करना ये बात मुनासिब नहीं है आइए देखिए सूरत तौबा में हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको यकीन आ जाए वमिमन हौलकुम मिनल आराब आराब वही जो गंवार लोग होते थे ना ना समझ लो मुनाफिकून वमिन अहल मदीना मरदू अल निफाक ला तालमहुम नहनो नालमहुम सनुअज़्ज़बहुम मर्रतैन देखिए तर्जुमा देखिए गंजुल मान तर्जुमा हम आपको दिखाते हैं और तुम्हारे आस पास तुम्हारे अहवाल में आस पास के कुछ गंवार मुनाफिक हैं ठीक है थीके? जो यानी कम समझ लोग हैं और कुछ मदीने वाले कुछ मदीने में रहने वाले भी थे जो मुनाफ़िन बसते थे उनकी खूह यानी उनकी तबीयत उनका मिजाज ऐसा हो गया है उनकी खू हो गई है यानी उनकी आदत हो गई है नफाक मुनाफत जहाँ से फायदा मिले उसी की तरफदारी करो तुम उन्हें नहीं जानते फरमाया आप नहीं जानते उन लोगों को मुनाफिकों को नहनो हम क्या करते हैं नम हम उनको जानते हैं देखिए यहाँ अल्लाह वाजे कर दी तो जब तक अल्लाह ताला खबरदार ना करे तो नबी सलाम खबरदार नहीं होते और ये नबीलाम की शान है कि अल्लाह तुमको खबरदार करता है ठीक है तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम जब तक के नबी करीम वसल्लम को अल्लाह के बराबर ना करें ठीक है आलम आलमिल्गैब ना कहें जब तक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बुलंद नहीं होती ऐसा नहीं है शान बुलंद होने के लिए अल्लाह के बराबरी करना शिरक करना कोई जरूरी नहीं है ये शैतानी वसवसा होता है कि नाउ अस्त नबीम की शान आपने घटा दी गुस्ताखी कर दी गुस्ताखी नहीं है ये तो ईमान है कि जितना कुछ हमें बताया गया हम उतने ही पर इक्तफा करें अपनी तरफ से आगे पीछे कमी और बेशी और ज्यादती ना करें तो ये बात समझने के काबिल है कि ना तुम में से हर एक को गैब की बात पर इतला दी जा सकती है और ना तुम में से किसी को भी पूरे गैब की इतला दी जा सकती है सबके सब कुछ उसको बता दिया जाए अव्वल आखिर ऐसा भी नहीं है वाली हाँ अलबत्ता बात यह है कि अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसे चाहता है गैब की जितनी बात चाहता है उसकी इतना दे देता है जो नहीं चाहता नहीं बताता अल्लाह ताला अपने चुने हुए रसूलों को अल्लाह ताला ने जिनको चुन लिया है अल्लाह ताला उनको गैब की कुछ बातों की इतला देता है जिनकी अम्बियात असलाम को नबूत की दलील के तौर पर जरूरत होती है अल्लाह तेहतर जानता है मगर वो इससे क्या होता है आलमैब नहीं बनते आलमुल ालैब एक ज़ात है अल्लाह की उसमें उसका कोई शरीक नहीं है ठीक है अल्लाह ताला की ज़ात है वो आलमुल वोब है अल्लाूब है और उसका कोई शरीक नहीं है ठीक है इस बात को आप हमेशा पेश नजर रखें कि अल्लाह का शरीक ना ठहराएं मुसलमानों का ये काम नहीं कि रसूल अलहत वसलाम से अपनी मर्जी की गैब की बातें मतलब मालूम करने का या बताने का मुतालबा करें कि आप गैब की हमें खबरें बताइए मुतालबा अपनी मर्जी से नहीं करें उनका काम अल्लाह उसके रसूलों पर ईमान लाना है और अगर वो ईमान लाकर तकवा करेंगे तो उनके लिए अजर अजीम है यहाँ अल्लाह तला ने क्या बयान किया ठीक है सो ईमान लाओ फ अल्लाह पर उसके रसूलों पर और अगर तुम ईमान ले आए और तकवा अख्तियार किया तो तुम्हारे लिए क्या है अजर अजीम है तुम्हें जितना गया उस पर ईमान लाओ अपनी तरफ से हेर फेर मत करो इसी आयत मुबारक जो 179 है इसी के अगले हिस्से को अगर आप देखें तो आपको ये पिछला हिस्सा खुद बुद्ध समझ में आ जाता है कि अल्लाह ताला ने यहां जो बयान किया मा, मा लोगो जब तक अल्लाह नापाक को पाक से अलग नहीं कर देगा मोमिनों को इस हाल में जिसमे तुम लोग हो हरगिज नहीं रहने देगा और इसलिए कि वो किसी न किसी आजमाइश में जरूर मुब्तला करेगा ठीक है कि ये अगर तो ऐसे ही होता कि गैब होता तो लोगों को खुद ब खुद पता चल जाता तो बताने की ज़रूरत ही नहीं थी ठीक है ये आजमाइश में डालना कोई ज़रूरी नहीं था जिससे वो अपने दोस्तों को क्या करेगा उनको अल्लाह ताला रोशन करेगा उनको अल्लाह नुमाया करेगा सुरखरू कर देगा और दुश्मनों को क्या करेगा जलील कर देगा वो जलील हो जाएंगे पहचान लिए जाएंगे आइए हम आपको सुरह जिन की भी एक आयत दिखा देते हैं फरमाया अल्लाह ताला ने फला अला यूरोहादा देखिये तर्जुमा है किसी को मुसलत नहीं करता ठीक है युरो अगर आप तर्जुमा उर्दो लिहाज से करें तो जाहिर नहीं करता अपने गैब को किसी पर जाहिर नहीं करता यहाँ मुसलत तर्जुमा मुसलत नहीं करता सिवाय हल्फ इस है ला, या मगर या सिवा अपने पसंदीदा अपने पसंदीदा रसूलों के ठीक है है और उसके साथ क्या है? कि उनके आगे पीछे पहरा मुकर कर देता है ठीक है ये बात यहाँ है और आगे भी फरमाया मजीद कि ताकि देख ले कि उन्होंने अपने रब के पैगाम या पयाम पहुंचा दिए और जो कुछ उनके पास सब उसके इलम में है और उसने हर चीज की गिनती शुमार कर रखी है इन आयत मुबारक की रोशनी में अगर आप ये कहते हैं कि नबी करीम सल वसलम थे या आपको गैब का इलम रखते थे या आपको सब कुछ मालूम था माकाना अब यकून का इम था अताई था तो फिर आप खुद जिम्मेदार हैं कि आप खुद कुरान मजीद की आयात को आप झुठला रहे हैं तहरीफ कर रहे हैं और फिर हम इसके इसी के ज़मन में अभी हम आपको एक हदीस शरीफ सुनाते हैं अम्मा उम्रमोमिन अम्माशा सिद्दर दी अल्ला की और फिर हम आपको मज़ीद एक हदीस शरीफ दिखाएंगे जिसको पेश करते हैं ये लोग के रसोल्ला सल अल्लाव मकाना मा मायकून का इल्म था उसके बारे में भी आप देखिए अब देखिए हदीस नंबर सात है ये हज़रत मसरूक रदी अल्लाह तु ये उम्मिल मोमिन नम ऐशा सिद्दर द्ल्हन के शागर्द हैं और ये ताबई बुजुर्ग हैं इन्होंने बयान किया कि उमुल मोमिन नमायशा सिद्दर द्लह तह ने बयान किया कि अगर तुम में से कोई ये कहता है कि महमद सल्ला वसल् ने अपने रब को देखा तो वह गलत कहता है क्योंकि अल्लाह तला ने अपने बारे में खुद फरमाया कि नज़रें उसको नहीं देख सकती सराया नाम की आयत से इस्तलालिया लात दरेकहल अबसार ठीक है तो यानी निगाहें उसको नहीं देख सकती और जो कोई कहता है कि आप सल वसल्लम गैब जानते थे तो गलत कहता है क्योंकि आप सल्हुस वसल्लम खुद फरमाते हैं ग़ैब का इल्म अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं है क्या फ़रमाया ला यालम अखारी शरीफ है ठीक है बुखारी शरीफ है किताबो तोहद है यहाँ पर जो है ये उमुल ममिन ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं रसोल्ला सल्ला है। है। वल्लम की घर वाली हैं महबूबा हैं अल्लाह के महबूब के महबूबा भी हैं और इनको अल्लाह ताला ने सलाम भी भेजा है बुखारी शरीफ के हदीस शरीफ़ में ही है कि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला त सलाम भेजा है अल्लाह ने उनको सलाम भेजा है अब ये इतनी बड़ी हस्ती हैं इतनी बड़ी शख्सियत हैं ये फरमा रही हैं तो मैं और आप किस बेस पर ये बात कर सकते हैं ये खुद घर में रसोल्ला सल्ला वल्लम की सोहबत उठाने वाली हैं ये नहीं साल हा साल साथ में रही हैं आप फरमा रही हैं और इमाम बुखारी ने इसको दर्ज किया है और सरेान की याद लातर कोहल अबसार इससे दलील पकड़ी है तो ये आप फरमा रही हैं और की वो हदीस भी बुखारी में है कि जब आप मेंबर पर तशरीफ़ लेंगे और आपने फरमाया कि इस वक्त आपने उस वक्त हदीस के अल्फाज हैं अल इस वक्त तुम तो मुझसे जो सवाल करोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा तो लाजमी बात है इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल बात है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुआजा दिया कि आप नंबर पे खड़े हैं जो भी जो सवाल करेगा अल्लाह ताला आपको खबरदार करेगा आप खबर देगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बता देंगे कि तुम्हारा बाप कौन है तुम्हारी माँ कौन है तुम्हारा कौन, है, तुम्हारा कौन है, क्या है क्या नहीं है जो भी तुम सवाल करोगे मैं तुम्हें बता दूंगा तो इससे ये साबित करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकान का इल्म था कुरान और हदीस का इनकार है इससे अपने आप को बचाएं और अल्लाह ताला से डरें अल्लाह ताला हम सबको कुरान हदीस को वैसे ही समझने की तौफीक दें जैसे सहाबा कराम प्रदी अल्लाह तुम सहात अहले बैत ने समझा अल्लाह ताला हम सबको उन्हीं के तरीक पर चलने की तौफीक दे तो अब आप आइए जरा कुरान हदीस की रोशनी में जरा गौर कीजिए कि जब ये बात बयान हो चुकी कि अल्लाह ताला अपने रसूलों में से चुन लेता है उनको मुत्तला करता है गैब की खबरों पर यानी जन्नत है दोजक है जो भी अल्लाह ताला ने खबरें दी जो कुछ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान करके सुनाया बताया समझाया तो अब ये बताइए कि जो लोग आज के जमाने में दावा करते हैं कि पीर साहब को ये इल्म था पीर साहब ने ये बता दिया सच बता दिया जो मौलाना साहब ने ये बताया ये सही है या दरगाह शरीफ में बैठे हुए फला बंदे ने ये बताया था वो फला जो है आ, क्या है जो मजूब ने बताया था देखो वैसे ही वैसे ही साबित हुआ वो लोग झूठे हैं कि नहीं झूठे हैं अल्लाह ताला ने यहां साफ ऐलान कर दिया कि, कि किसी के पास गैब का इल्म नहीं है सिवाय ये कि अल्लाह ताला अपने रसूलों में से इंतखाब फरमा लेता है अल्फाज देख लीजिए मेरे ताला अपने रसूलों में से इंतखाब फरमाता है जिसको चाहता है तो जितना चाहता है गबर की गैब की खबरों पर मुतला फरमाता है और यही नहीं एक बुखारी शरीफ के शरीफ और भी है कि जब मूसा आल्लम और खजर आल्लम कश्ती में बैठे थे, थे तो एक कश्ती पर जो है कश्ती पर एक चिड़िया आई थी और वो बैठ कर जो है उसने दरिया में मुंह डालकर पानी लिया था तो खजराम ने मूसा स्ल्लाम से यही कहा था देखिए कि जितना पानी इस चिड़िया ने इस दरिया से लिया है और दरिया में इतना पानी ले कि जितना इसने कमी वाकई की है मेरे और आपके इल्म ने इतनी भी अल्लाह ताला के इल्म में कमी वाकई नहीं की यानी अल्लाह तला का इल्म मेरे और आपके सामने इस तरह है कि जैसे कि दरिया से चिड़िया का पानी लेना ठीक है तो ये बात समझने की है कि जो लोग ये बात करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमैब और अल्लाम गयूब और मकाना मा मायकून का इल्म यह सरासर वो शिरक करते हैं अल्लाह ताला हम सबको समझने की तोफ़ी दे ये शिरक है और पुराने, पुराने मजीद के खिलाफ बात है तो इसलिए बचें और तो और सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम के लिए तो जो कुछ वकीदा अकीदा रखते हैं रखते हैं उनका अकीदा तो इतना ज्यादा बिगड़ गया कि वो अपने पीरों के लिए भी अकीदा रखते हैं कि पीर साहब ने बता दिया हालांकि उनको पता नहीं है कि ये वस अंदाजी शैतान करता है एक बात सुन ली अल्लाह के नबी ने फरमाया और आगे उसने क्या किया कुट कुट कर दिया जैसे मुर्गे जो है जमीन पर ठोंगे मार के कुट कुट करते हैं तो ऐसे उन्होंने जाके उनको उन्हों क्या कर दिया क्योंकि दिन भर शैतान हमारे साथ रहता है जो कुछ खबरें हुई गया उसने काहिनों को और जो कुरान हदीस पर अमल नहीं करते उनको जाकर उसने खबर दे दिया तो आप गए उनके पास उन्होंने क्या किया सौ में सौ झूठ में से एक सच बता दिया आपने कहा हाँ अब तुम गए थे फला जगह तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था हाँ भाई पीर साहब को तो पता है अब उनको नहीं पता कि शैतान ने ये उनको खबर दे दी है शैतान हमारे अंदर वसवसे वंदाजी कर रहा होता है हमें तो नहीं पता चलता हमारे सामने तो नहीं आता ऐसे उनको जाके उनको बता दिया और आपने समझा कि नहीं हमारे तो, उनको तो सारा इल्म है नहीं ये देखिए कुरान मजीद की आयत बता रही है कि अल्लाह ताला नहीं देता रसूलों को इंतखाब करता है तो क्या आप अपने पीर को रसूल समझते हैं क्या अपने आप मौलाना को रसूल समझते हैं अल्लाह ताला ने नहीं दिया किसी को ये इल्म तो आप आप सोचिए कि ये गलत अकीदे को तर्क कर दीजिए वरना ऐसा ना हो कि कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाएं और ईमान से हाथ धो बैठे हैं अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस को वैसे ही समझने की तौफीक दे जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया सहाबा ने समझा और सहाबा ने हमें समझाया आगे पहुंचाई बातों को हमारे लिए बस इतनी बात काफी है कि हम ईमान लाएं जो कुछ अल्लाह ताला ने नाजिल किया जो कुछ अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया हम वैसे ही ईमान लाएं और अगर हम ईमान लाएंगे और हम तकवा करें हम डरे अल्लाह से कोई भी बात अपने मुंह से निकालते हुए हम डरे हमको डरना चाहिए तो अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए जमा कर रखा है अल्लाह ताला अपने उन मोमिन बंदों को बहुत पसंद फरमाता है कि जो मान लाते हैं अपने तरफ से कमी नहीं करते और अपनी तरफ से इजाफा भी नहीं करते अफराद और तफरीद से बचते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है अल्लाह तला हम सबको उन बंदों में उन बंदियों में कर दे कि जो अल्लाह ने नाजिल किया वो उसी तरह उसको उन्होंने कबूल किया तो हमें भी चाहिए कि हम इफरत तफरी से अपने आप को बचाएं ना आगे जाए ना पीछे हों और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शान है आपका बड़ा मर्तबा है लेकिन इलाही सिफात नहीं कि हम आपको मुतसिफ करें इलाही सिफात से ये हमारी मजाल नहीं होनी चाहिए ये हमारी जरूरत नहीं होनी चाहिए और अल्लाह ताला हम सबको मुआफ़ फरमाए और हमारे थोड़े को बहुत कर दे हमारे खोट को दूर कर दे हमारे अमल को खालिस कर दे और हमारी टूटी फूटी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारे तमाम गुनाहों को गलतियों को कोताही को खताओं को, को मुआफ़ फरमाए और बेशक अल्लाह ताला वफ़ूर रहीम है और अल्लाह ताला अपने बंदों की फरियाद को सुनता है